मैं सीमा बुधानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको झबला बताने जा रही हूँ। इस तरह का झबला बता रही हूँ, ये डिज़ाइन है और ये कपड़ा है। इस पर वाइट कलर की पाइपिंग आएगी। इसकी लंबाई यहाँ से लेंगे, 15 इंच लंबा है और नीचे लंबाई में मोड़ने के लिए पाइपिंग है, इसलिए प्लस नहीं करेंगे। सीना 20 ही है इसका भी। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये डबल कपड़ा लिया मैंने और इसी को चौगुना करेंगे कपड़े को इस तरह से। सीने का चौथा प्लस 2 7 इंच लिया है। इसकी कटिंग यहाँ से तीरा शोल्डर इसका 8 ही रखा जाएगा, परंतु गला बड़ा होगा, इसमें अंदाज से ही रखते हैं। और यहीं से मोड़ा कटेगा इस तरह से, और इधर घेर माना जाएगा। ये कमर की हल्की सी गोलाई देंगे, ये कटिंग ऐसे आएगी इसकी कटिंग। फ्रंट और बैक को अलग कर दिया, इसमें अलग अलग करके दोनों में पाइपिंग लगेगी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ऊपर डोरियाँ बांधने की आएंगी, वो मैं वाइट कलर से आपको पाइपिंग काट के बता रही हूँ। पाइपिंग हमेशा रेप कटेगी इस तरह से, तिरछी इतनी चौड़ी काटेंगे ताकि अंदर बाहर मुड़े। बस ये सारी जोड़ के और पूरी लगानी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है पाइपिंग लगा के हर फ्रॉक वगैरह में। गला है इसके बीचों बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे 5 इंच तक हम सीधी सीधी ऐसी प्लेट्स देंगे, जैसे अभी लास्ट झबले में आपको बताया, ऐसे 3 प्लेट्स देंगे बस, और बाकी सारे में पाइपिंग लगेगी। ये 3 प्लेटें लगा ली हैं, तीनों प्लेट्स लग चुकी हैं, अब पाइपिंग लगानी। ये 2-2 पाइपिंग इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए। सबसे पहले गले में लगाएंगे इधर से, नीचे की साइड से रख के पट्टी सीधी है, झबला भी सीधा है। अब इसको बाहर की साइड सीधी तरफ ऐसे मोड़ेंगे, थोड़ी चौड़ी चौड़ी आनी चाहिए अच्छी सी। इस सिलाई का कपड़ा दबेगा और इसके ऊपर सिलाई आएगी। ये गले में लग चुकी है पाइपिंग, अब मोड़े में भी यहाँ से लेके लगाएंगे। ऊपर थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे ताकि बांधने के काम में आएगी, वो ऊपर बंधेगी आगे पीछे डोरी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी इधर से पीछे से लगाएंगे, नीचे से उल्टी साइड से पट्टी सीधी होगी। इस पाइपिंग को इस गले के साथ पूरा कर दिया है मोड़े में। अब इसको सफाई से यूँ लगाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड फिर दूसरा, इस तरह से करते हुए यहाँ तक पूरा लेके आएंगे। और पीछे के चोली में झबले में भी ऐसे ही लगेगी ताकि ऊपर यहाँ नॉट बन सके गांठ।
से ऊपर तक लाएंगे बिल्कुल। जैसे इस जबले में लगी हुई है पाइपिंग, इसी तरह से चारों में ये पाइपिंग लगेगी, दो तरफ आगे, दो मोटों में पीछे, एक तरफ आपको बता दी, ऐसे ही चारों में लगेगी। आपकी रिक्वेस्ट पे आज ये जबला बनके तैयार है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। थैंक यू।